अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज मैं आपको सिखाऊंगी दलीम बनाना। यहाँ है मीट, इसको मैंने बॉईल किया है थोड़ी सी हल्दी अदरक लहसुन के साथ। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें, फुल डन कर लें, उसके बाद फिर आप इसके रेशे निकालें। और यहाँ है दालें, इसको मैं ओवन में रखा है। ये देखें, चार दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल, माश की दाल। ये है गंदम, ओट्स यानी कि दलिया, मैंने दलिया लिया है। अगर आपके पास बाले है यानी कि जौ, तो आप वो ले लें। ग्राउंड अनियन यानी कि प्याज को तलकर रखा मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट और ड्राई स्पाइसेस, पिसी लाल मिर्च, ये है शहजीरा यानी कि काला जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, छोटी इलायची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, जायफल जावत्री और नमक। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, अदरक, लेमू और हरी मिर्च। अभी कुकर के अंदर सारी दालें और गंदम डाल दें, साथ ही दलिया डाल दें। चाहे आप इसे भिगो दें या ऐसे ही डाल दें, कोई मसाला नहीं। उसके बाद पानी शामिल कर दें और हमेशा प्याज को पहले ब्राउन कर लिया करें, गोश्त को आप उबाल के रख दिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए हलीम बनाने में, ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट हलीम तैयार हो जाए। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर और कुछ नहीं शामिल करेंगे और इसको कवर करके इसको गलाएंगे। पहले तेल को गर्म करें, ये वो तेल जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किया था। ये सबसे पहले अदरक लहसुन को आप अच्छी तरह से भून लें ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। जब तक हमारी दाल गल रही है तब तक हम यहाँ मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी मिर्च, मिर्च आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी शामिल करेंगे, नमक, अब छोटी इलायची और गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला और जायफल जावत्री हम आखिर में शामिल करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज और थोड़े से बचाएंगे और शामिल करेंगे। अब इसके अंदर पानी शामिल कर दें, मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे, क्वार्टर का पानी शामिल कर दें और मसाले को अच्छी तरह से पका लें। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त, मसालों को अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि कच्चापन उसके अंदर ना रहे। उसके बाद गोश्त शामिल कर दें आप, फिर इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको आप फिर भूनें। ये देखें दाल हमारी गल चुकी है। आप इसको हैंड बीटर के साथ इसको बीट कर लें या आप ब्लेंडर में पीस लें या आप इसके साथ गोटा लगा लें। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके पास है। गोश्त आपको दिख रहा है और हल हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे दाल। ठीक है, पूरे शामिल कर दे दाल को। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, अगर आपको इस तरह दानेदार पसंद है तो इस तरह आप बनाएं, वरना अगर नहीं पसंद है तो आप इसको ब्लेंडर में पीस लें या हैंड ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लें। क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पिसा हुआ पसंद नहीं है दाल, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से नहीं ब्लेंड करूँगी। ठीक है, और इसको मैं घोटे लगाऊंगी। अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए फिर इसमें और थोड़ा पानी शामिल करेंगे, इस तरह घोटा लगाएं। ठीक है, ये दाल जो आपको दिख रहा है सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर और एक गिलास पानी शामिल कर दें और इसको फिर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसके मीडियम फ्लेम में 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक पकाएंगे और इसको वक्फे वक्फे से आप चलाते जाएं। ये देखिए इसके अंदर रेशे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर शामिल करेंगे जायफल जावत्री के पाउडर, साथ ही गरम मसाला पाउडर, छोटी इलायची पाउडर, चाट मसाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए बिल्कुल हल हो चुका है, दाल आपको दिख रहा है।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको और 10 मिनट पकाएंगे। देखिए अब इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा एसेंस। ये देखिए इसकी थिकनेस देखें, ठीक है इतना ही रखना आपने। बस ये अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे ऑयल, जो मैंने प्याज को ब्राउन करके रखा था वो ऑयल शामिल कर दें इसके अंदर, और थोड़े से इसके अंदर शामिल करेंगे ब्राउन अनियन। हाथ से थोड़ा इसके चूरा कर लें और इसके अंदर शामिल कर दें, ठीक है। ये देखिए ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। और इसको जब भी आप सर्व करें तो आपने क्या करना, उसमें हॉट पॉट में उसमें सर्व करें ताकि ये गर्म ही रहे। क्या मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इसे डिश आउट कर दूंगी। दलिम तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।